अपन लोग। चलो सर भेज दिया आपको आंसर। चलो, सो बताओ, पहला वाला पीरियोडिक है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर एक लीनियर होना क्वाड्रेटिक लिखा। चाहिए। हाँ, लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ। दूसरा वाला पीरियोडिक नो नहीं है, सर। क्योंकि यहाँ पे भी पीरियोडिक के अंदर सर कोई एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल टर्म लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स, यस सर। ये होता है, ये पीरियोडिक होता है। साइन स्क्वायर एक्स तो पीरियोडिक होता ही है, ठीक है? क्योंकि मतलब ये एक तरीके से साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। मतलब फिर मतलब अंदर ये भी पीरियोडिक है और बाहर नॉन पीरियोडिक है। अंदर पीरियोडिक है, बाहर नॉन पीरियोडिक। बाहर का नॉन पीरियोडिक जो है वो कौन सा है? स्क्वायर वाला फंक्शन। और अंदर जो पीरियोडिक है वो कौन सा सर, पर बाहर के साइड तो सिर्फ ऑपरेटर है। हाँ, क्या हुआ? तो फंक्शन ऑपरेटर ही होते एक तरह से। क्या कह सर, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 - cos2x / 2 भी लिख सकते हैं, तो फिर वैसे भी पीरियोडिक हो जाएगा। हाँ, मतलब तुम, और फिर लॉजिकली भी सोच सकते हो ना बच्चों, स्क्वायर हाँ, फंक्शन अगर ग्राफ के हिसाब से सोचे तो फिर भी पीरियोडिक ही रहेगा पूरा। कि साइन एक्स खुद पीरियोडिक है, तो मतलब हर 2π डिस्टेंस के बाद वो अपना आउटपुट रिपीट करता, तो उसका स्क्वायर भी हर 2π डिस्टेंस के बाद तो आउटपुट रिपीट करता ही। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, ये x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x सर फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा पीरियोडिक। यस, क्योंकि x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाता है, ठीक है? और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो अपने को पता है कि इट इज पीरियोडिक। सर ये भी पीरियोडिक पीरियोडिक है। एंड साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये पीरियोडिक है क्या? हाँ सर। यस, क्योंकि साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खुद पीरियोडिक है, और ln जो है वो नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x + 7, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई लीनियर टर्म है? पीरियोडिक। पीरियोडिक है क्योंकि ये पीरियोडिक के अंदर कोई लीनियर टर्म लिखा हुआ, ठीक है? तो ये जो 4-5 एग्जांपल्स देखे, 5-6 एग्जांपल्स, उसमें हम लोगों ने सीखा कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, वो पहचानना सीखा। अब आगे देखो, आगे क्या है कि नाउ वी आर एमिंग टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या मतलब है? कि जैसे एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है? तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, कॉस ऑफ साइन एक्स, फंक्शन एफ एक्स है कॉस ऑफ साइन एक्स, देन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड। क्या फाइंड करना है? फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है, अंदर साइन एक्स है, तो साइन एक्स कितने डिस्टेंस के बाद बिहेवियर रिपीट करता, आउटपुट रिपीट करता? माइनस
टू पाई डिस्टेंस के बाद आउटपुट रिपीट करता, ठीक है। तो मतलब और जैसे ही आउटपुट रिपीट करता तो कॉस का इनपुट रिपीट हो रहा होता और कॉस भी फिर वो आउटपुट रिपीट करता। तो हम लोग कह सकते थे कि 2 पाई जो है इट इज वन ऑफ द पीरियड ऑफ द फंक्शन। इज इट द फंडामेंटल पीरियड और नॉट वो नहीं पड़ता, लेकिन इट इज वन ऑफ द पीरियड ऐसा कहा जा सकता है। यस सर। ओके, अब हम लोग ने क्या किया, जैसे 2 पाई इसका पीरियड है, अब ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है वो नहीं पता। अब मैं क्या करता हूं कि फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो या तो ये होगा या इससे छोटा ही होगा, तो हम लोग इसको हाफ करते हैं। अब हाफ क्यों करते हैं उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर, 2 पाई पीरियड ये कैसे बनता है? 2 पाई पीरियड ऐसे पता चला कि अंदर जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो है वो 2 पाई डिस्टेंस के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता ही जाएगा, मतलब अपना आउटपुट रिपीट करता जाएगा, मतलब कॉस का इनपुट भी रिपीट होता ही रहेगा जब x 2 पाई आगे बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो सो सर 2 पाई ही क्यों नहीं होगा इसका फंडामेंटल पीरियड? क्या 2 पाई सर 2 पाई क्यों नहीं हो सकता है फंडामेंटल? मतलब साइन एक्स उतने के बाद ही रिपीट करेगा ना, तो कॉस को भी उतना ही रिपीट करना पड़ेगा। नहीं देखो, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड जिसके बाद फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट करे। जैसे मान लो मैं अगर एक जनरल फंक्शन से साइन एक्स की बात करता हूँ, केवल साइन एक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो कोई कहता कि साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है। तो अगर कोई कहता कि साइन एक्स का पीरियड 4 पाई है, तो मैं उसको इस बात की गारंटी के साथ थोड़े कह सकता हूँ कि उसका फंडामेंटल पीरियड भी 4 पाई होगा। हो सकता है कि उसका फंडामेंटल पीरियड उससे थोड़ा छोटा हो। तो वैसे ही टाइप की चीज कि एक स्पेक्यूलेशन तो लगा दिया, अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा दिया कि 2 पाई तो इसका पीरियड होना ही है। सर आपकी स्क्रीन नहीं, हाँ सर आपकी स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक है। हाँ सर, तो 2 पाई जो है वो तो इसका पीरियड है ही। अब हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल पीरियड जो हो सकता है वो या तो ये हो जाए या इससे थोड़ा कम हो जाए। तो मैं क्या करता, पाई को इसको आधा करता पहले। आधा ही क्यों किया, 1/3 क्यों नहीं किया वो भी बताते हैं। पाई को एज अ पीरियड चेक करता मैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हो ना, हम लोग को आधा करके देखना चाहिए। अब पाई को अगर मेरे को चेक करना है कि ये पीरियड है कि नहीं है, तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालता। क्या निकालता? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। तो वो क्या आ जाता, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। अच्छा बताओ, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा ही रहता है। सिर्फ कॉस थीटा ही रहता है, मतलब ये कॉस ऑफ साइन एक्स बन गया जो कि एफ एक्स बन गया। तो देखो यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब कि पाई जो है हमारा पीरियड है इस फंक्शन का। इतनी बात समझ में आई? जब याद है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स अगर होता है
तो टी हमारा उस फंक्शन का पीरियड होता है, पाई हमारा पीरियड है। अच्छा अभी पाई तो मतलब 2 पाई के फंडामेंटल पीरियड होने के चांसेस खत्म हो गए अब तो, क्योंकि पाई पीरियड है और पाई 2 पाई से छोटा है। ठीक है, अब मैं फिर से हाफ करता है इसका, मतलब अभी मेरे को ये नहीं पता कि ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है, तो मैं फिर से हाफ करता, तो मैं से पाई बाय 2 के लिए चेक कर रहा होता, पाई बाय 2 के लिए चेक कर रहा होता, मतलब मैं क्या करता, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 निकालता, तो वो क्या बनता, कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हमारा क्या बन गया, कॉस ऑफ कॉस एक्स। अच्छा ये क्या एफ एक्स के बराबर है क्या, नहीं, नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, मतलब पाई बाय 2 जिसको हम लोग ये सोच रहे थे कि ये हमारा काम कर जाएगा, उसने काम नहीं किया, वो हमारा पीरियड नहीं है। अब देखो जैसे ही पहला एक नॉन सेटिस्फाइंग नंबर आ जाए तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, मतलब कोई पूछेगा कि सर आप अब इसको और आधा करके चेक कीजिए कि वो फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं। सर ऑलरेडी इसमें नहीं हो रहा तो आधे में कैसे होगा। हाँ तो अगर जैसे मान लो तुम ऐसा सोचो कि अगर मान लो कि ये सर अगर ये फंडामेंटल पीरियड होता तो फिर पाई बाय 2 को भी होना चाहिए था। हाँ अगर ये फंडामेंटल, अगर ये कोई ना कोई पीरियड है तो उसका डबल भी पीरियोडिक तो होना ही चाहिए था, पीरियड भी होना ही चाहिए था वो, लेकिन वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे वाले को चेक ही नहीं करते, जहां पे एक क्रॉस लग गया वहीं पे रुक गए। तो हमारा सबसे छोटा पीरियड कौन सा आया, पाई। सो द फंडामेंटल पीरियड इन दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, पाई। अब सवाल उठता है कि सर आपने आधा क्यों किया, हाफ क्यों किया, आपने वन थर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मान लो 2 पाई का अगर मैं वन थर्ड करता तो वो 2 पाई बाय 3 आता। अब जब यहाँ पे x की जगह x प्लस 2 पाई बाय 3 तो वो साइन या कॉस, साइन x या कॉस x में कंप्लीट चेंज होने के लिए कैपेबल नहीं होता। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग हाफ करेंगे ना। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहां पे भी यूज होता वहां पे हाफ आधा करते जाते, आधा करते जाते। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गए। ओके सो आई होप यू ऑल गॉट द प्रोसीजर। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कि फाइंड क्या करना है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स।
चलो पहले का आंसर क्या है बताओ। तो जैसे पहले में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, तो देखो टू पाई तो श्योर शॉट है। अब पाई के लिए चेक करते हैं, उसके आधे के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस पाई वो क्या बनता, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई। अच्छा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स दोनों वैसे तो माइनस साइन और माइनस कॉस होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके सामने मॉड लगा हुआ है तो वो इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई भी केस क्यों नहीं लेते हम लोग, केस क्यों नहीं लेते, केस नहीं लेने की जरूरत है ना पीरियोडिक फंक्शन में, यहाँ पे मॉड को ओपन थोड़े करना हम लोग को, सर मॉड माइनस वाले को हटा देना हम, हाँ माइनस मॉड मॉड के अंदर से माइनस निकाल सकते हैं कोई भी टर्म बस वो पॉजिटिव होके निकलेगा, जैसे मॉड ऑफ एनीथिंग एंड मॉड ऑफ माइनस टाइम्स दैट थिंग वो इक्वली होते हैं, तो इस बात का यूज करना। अब और लालच बड़ी, पाई बाय टू के लिए चेक किया, तो पाई बाय टू के लिए जब हम लोगों ने चेक किया तो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू। अच्छा साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स तो कॉस होता है और कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स माइनस साइन होता है। अब क्योंकि माइनस माइनस मतलब मॉड ऑफ माइनस जो है वो तो प्लस ही हो गया, मतलब ये एफ एक्स आ गया। इसका क्या मतलब है कि पाई बाय टू भी पीरियड है, मतलब अब पाई बाय टू फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब पाई बाय फोर के लिए चेक करते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर इसको आधा किया था पाई बाय टू को, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर। ठीक है, अब ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, मतलब पाई बाय फोर हमारा पीरियड नहीं है, तो जो हमारा फंडामेंटल पीरियड आ गया वो पाई बाय टू आ गया। ठीक है, पहले का आंसर पाई बाय टू। ओके ओम, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये तुमको ये टॉपिक खत्म होते होते आज के एंड में पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन माइनस मॉड कॉस। ठीक, तो देखो टू पाई तो श्योर है ही, अब मैं पाई के लिए चेक करता तो पाई के लिए चेक करता तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या आता, मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। अच्छा साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, लेकिन क्योंकि मॉड है तो वो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसे ही कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि वो मॉड है मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, विच इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब पाई पीरियड है। जैसे ही पाई पीरियड है तो अब और लालच बढ़ी, पाई बाय टू के लिए चेक किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स। अब देखो इसमें क्या हो गया, मॉड कॉस माइनस मॉड साइन बन गया, जबकि एफ एक्स मॉड साइन माइनस मॉड कॉस था, मतलब माइनस टाइम्स बन गया।
तो मतलब विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, मतलब पाई बाय टू पीरियड नहीं है. तो फंडामेंटल पीरियड हमारा क्या हो गया, इट इज पाई. फंडामेंटल पीरियड विल बी पाई. टू पाई पीरियड कैसे हुआ, देखो टू पाई ऐसे हुआ ना कि जैसे साइन एक्स अंदर, साइन एक्स अंदर कॉस एक्स है, तो साइन एक्स अपना आउटपुट कितनी देर बाद रिपीट करता है, टू पाई. कॉस एक्स भी अपना आउटपुट टू पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट करता है, तो ओवरऑल ये लोग अपना आउटपुट टू पाई डिस्टेंस के बाद तो रिपीट करते ही, तो टू पाई तो वन ऑफ द पीरियड होता ही. अब उससे कम के बारे में हम लोग सोच रहे थे फंडामेंटल पीरियड के लिए. चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए अपने. सर एक मिनट, ऊपर वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला हाँ सर हो गया, हो गया हाँ सर. चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट से. थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, सो वन माइनस साइन स्क्वायर पीरियड पाया आ रहा है, आया है. अच्छा अब जैसे किसी को ऐसा लग रहा होगा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग एक काम करते हैं कॉस एक्स लिख देते हैं. सर मॉड ऑफ कॉस एक्स है. हाँ कॉस एक्स नहीं लिख सकते, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है हमारा. ठीक है, तो रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया हमारा, मॉड ऑफ कॉस एक्स. अब मॉड ऑफ कॉस एक्स का देखो टू पाई तो श्योर शॉट है ही, अब तुम दिमाग में कैलकुलेट भी कर सकते हो कि पाई भी हो जाता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जो है वो माइनस ऑफ, मतलब मॉड में माइनस ऑफ कॉस एक्स बनता और मॉड जो है वो माइनस को खा गया होता, लेकिन पाई बाय टू नहीं हो पा रहा होता क्योंकि पाई बाय टू जो है वो इसको साइन एक्स बना देता. तो जो हमारा फंडामेंटल पीरियड होता वो क्या होता बताओ, पाई. सबको समझ में आ गया ये थर्ड पार्ट. सर एक छोटा सा डाउट था, फंडामेंटल पीरियड निकालने से पहले हम फंक्शन को सिंपलीफाई कर सकते हैं ना जितना भी हमें करना. हाँ ओके सर. फोर्थ वाला जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स होल अपॉन टू. ठीक है, देन फाइंड फंडामेंटल पीरियड.
पीरियड बताना है, पीरियड बताना है मतलब वो इंटरवल का लेंथ बताना है जिसके बाद ग्राफ अपना बिहेवियर रिपीट करेगा। सर 2π ही होगा क्या? हाँ 2π होगा क्या? पाई के टर्म्स में नहीं आएगा, पाई के टर्म्स में नहीं आएगा, पाई के टर्म्स में नहीं आएगा, कोई एक नंबर आएगा, नंबर चलो देखो। हाँ आदित्य सही है सर, एक मिनट रुक जाइए बस। चलो करो, मनोज आदित्य प्रभाकर देखो इसको हम लोग कैसे करते, जैसे हम लोग ना अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके। यस एग्जैक्ट, ग्राफ से ही क्या मुझे देखो, जैसे मान लो मैंने पहला केस ले लिया कि एक्स जीरो से वन के बीच में, उस समय हमारे जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती। अब जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर तुम्हारी जीरो हो जाती तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती, साइन जीरो विच इज जीरो। एक्स अगर हमारा वन से टू के बीच में तो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन हो जाती, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाती, साइन पाई बाय टू। ठीक है, टू से थ्री के बीच में तो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू हो जाती, तो ये टू हो जाता अगर तो क्या हो जाता, साइन टू साइन पाई, साइन पाई भी क्या होता है माइनस। फिर एक्स अगर थ्री माइनस वन जो है वो कॉस पाई होता है, थ्री से फोर के बीच में हो तो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थ्री, तो साइन थ्री पाई बाय टू, मतलब वाई की वैल्यू माइनस वन। अच्छा फोर से जब फाइव होता तो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फोर, तो साइन टू पाई, मतलब वाई की वैल्यू जीरो। अब देखो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं जैसे हम लोग ने क्या क्या ले लिया, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो देखो एक्स अगर जीरो से वन के बीच में है तो वाई की वैल्यू जीरो है, मतलब कैसा ग्राफ होता, ऐसे टाइप का, वन से टू के बीच में वाई की वैल्यू वन, फिर टू से एक्स बिलोंगिंग टू टू से थ्री के बीच में वाई की वैल्यू जीरो, फिर थ्री से फोर के बीच में वाई की वैल्यू माइनस वन, फिर देखो फोर से फाइव के बीच में ये आ जाएगा। अब जैसा ग्राफ यहां पे स्टार्ट हुआ था, जीरो पे स्टार्ट हुआ था, अब सेम चीज जो है वो फोर पे स्टार्ट होगी। हाँ सर, समझ में आई बात, और ये ऐसे ही अब चलता चला जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे, जगह ही खत्म हो गई हमारी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ कितने डिस्टेंस के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है, फोर डिस्टेंस के बाद ग्राफ अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड होता वो क्या होता, बच्चों फोर, फंडामेंटल पीरियड विल बी फोर।
ठीक है। अच्छा किसी को ऐसा भी लग रहा होगा, हो सकता है कि सर जैसा ग्राफ जीरो पे था वैसा ही टू पे भी तो था, तो तुम ऐसा सोचो कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, कि जो जीरो से टू के बीच वाला है क्या टू से फोर वाला वही कॉपी पेस्ट है क्या? नहीं, इसमें और इसमें अंतर आ गया। ये वन से टू वाला ऊपर है एक्स एक्सिस के और थ्री से फोर वाला एक्स एक्सिस के नीचे है। सो टू इज नॉट द पीरियड, द पीरियड द फंडामेंटल पीरियड विल बी व्हाट? फोर। समझ में आया? ओके, सो ये फोर्थ पार्ट था। अच्छा फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सर भेजा आपको आंसर। देखो बच्चों ये एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो सबसे पहली बात एक आइडेंटिटी होती है। ये क्या होता है? yes, और इसमें एक्स क्या क्या हो सकता है? माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी, ठीक है? इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो अगर आप इनका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ बताओ कैसा बन रहा होता? y equal to 1. एक ऐसे टाइप का ग्राफ बन रहा होता, वन से पास कर रहा होता हॉरिजॉन्टल में, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ कि क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है क्या? हाँ सर। नहीं सर, कांस्टेंट ग्राफ है। नहीं है। यस सर, पीरियोडिक है क्योंकि पीरियोडिक है। तो करेंगे कॉपी पेस्ट तो आ रहा सेम आउट। उसका फंडामेंटल पीरियड जीरो के करीब है। अच्छा जैसे मान लो मैं इतना लूं, तो इसका अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं तो वो ये आ जाएगा क्या? हाँ। तो ये पीरियोडिक तो है। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा कोई सोचता कि एक काम करता हूं मैं एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ भी लिखूं तब भी वो वन ही आएगा, आएगा कि नहीं? अच्छा मैं फंडामेंटल पीरियड के लिए क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कुछ भी जितना छोटा से छोटा हो जाए उतना अच्छी बात है। अग्री करोगे? yes. तो yes. बताओ ये वाली क्वांटिटी कितनी छोटी हो सकती थी? टेंडिंग टू जीरो। वेरी गुड। ये वाली क्वांटिटी कितनी छोटी हो सकती थी? टेंडिंग टू जीरो। फाइन। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ क्या मैं इस क्वांटिटी की? नो सर। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता।
So, मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ पीरियोडिक फंक्शन हूज पीरियड इज अनडिफाइंड. कॉन्स्टेंट फंक्शन इज वॉट, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता. कितना समझ में आया? सो ये एक नोट है एक तरीके से, ये समझ लो, जिसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट करके तुमको दिया था कि कांस्टेंट फंक्शन. तो जो सात पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके साथ एक और फंक्शन होता है, वो कौन सा होता है? कांस्टेंट फंक्शन, जो पीरियोडिक होता है. ठीक है, तो अब एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सबको पता होगा क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स. ठीक है, सेम सर, वन. इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? फाइंड द फंडामेंटल पीरियड. अनडिफाइंड. फाइंड द फंडामेंटल पीरियड. बताओ बच्चों, व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल पीरियड? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? इसको अलग कर. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. देखते हैं इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा. अच्छा, जैसे मान लो मैं sec square x minus 10 square x लिखना चाहूं, तो सबसे पहली बात तो ये एक आइडेंटिटी है ही, किसके बराबर होता है ये? 1 के बराबर. अच्छा, ये सारे x के लिए टू होता है, sec square minus 10 square हर x के लिए डिफाइंड होता है. 2n plus 1 pi by 2 के लिए तो डिफाइंड नहीं होता ये. x not equal to 2n plus 1 pi by 2. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता, इसका जो ग्राफ बनता वो जैसे क्या होता, पाई बाय टू होता, थ्री पाई बाय टू होता, माइनस पाई बाय टू होता, माइनस थ्री पाई बाय टू होता, मतलब ये सब टू एन प्लस वन पाई बाय टू के कैटेगरी में आते हैं ना. अब इनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल्स बन रहे होते और बाकी सब जगह वन वन वाली लाइन बन रही होती, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे टाइप. तो अब इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होना चाहिए. पाई. पाई देखो, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस पाई है. अब ये जो कॉपी, ये जो चीज है, यही तो कॉपी पेस्ट हो रहा है ना. ऐसा तो है नहीं कि मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्या कि यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट हो रहा है? अगर यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट होना रहता तो फिर बीच में हॉलो आना ही नहीं चाहिए था, अगर ऐसे कॉपी पेस्ट करता मैं तो. सो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है दैट इज वॉट, पाई. समझ में आया? हाँ सर. यस सर. मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट अगर मिल रहा है हमें किसी फंक्शन से इस तरह से, कंपलसरी नहीं है कि वो हर बार अनडिफाइंड होगा उसका फंडामेंटल पीरियड. हाँ, वो उसके ग्राफ पे डिपेंड करेगा तुम्हारा. ठीक है. अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, ये कौन सा पार्ट था? छठा पार्ट था, सेवेंथ पार्ट.
सेवन पार्ट लिखू मैं एफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स टेन ऑफ वॉट एक्स प्लस टेन एक्स तो मैं पाई भी पाई। अच्छा चलो, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है देखने में, अजीब टाइप का। तो जैसे मैं कैसे सोचता, मैं सोचता कि भाई ये जो टेन एक्स है इसका पीरियड तो पाई होता ही है, ये तो सबको पता है, हर बंदे को पता है कि टेन एक्स का पीरियड तो पाई होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकाल के देखता हूँ कि क्या ये ओवरऑल को एफ एक्स बना रहा है क्या। तो देखो जहां जहां एक्स था वहां वहां आई विल पुट एक्स प्लस पाई। समझ में आ रही बात बच्चों? अच्छा टेन ऑफ एक्स फंक्शन पीरियोडिक है, ये कैसे पता चला? वही वही बता रहा हूँ। मैंने एक हिट किया, हिट एंड ट्राई किया, ठीक है, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, हिंट कहां से लगी, पाई ही यूज करना है हमको, इस टेन एक्स की वजह से हिंट लगी हमको, ठीक है। अब देखो देखो ये जो tan ऑफ पाई प्लस एक्स है वो क्या बनता, वो तो tan x ही बनता, और इसको ऐसे लिखो जैसे पाई अलग से लिख लिया और x प्लस tan x, अग्री करोगे? अब देखो ये अब tan ऑफ पाई प्लस समथिंग, तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। आधी बात समझ में, ये क्या बन गया हमारा tan of x plus tan x मतलब fx, और क्योंकि मैं पाई लेके चला था तो पाई हमारा पीरियड होता। अब वो फंडामेंटल पीरियड होता है कि नहीं, उसको देखने के लिए अभी आगे थोड़ा करना पड़ेगा हम लोग को अभी। तो अब क्या करते हम लोग, इसके आधे के लिए चेक करते पाई बाय टू के। अब देखो मैं यहीं पे कैलकुलेट करके देख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे तुम पाई बाय टू प्लस एक्स पुट करते तो टेन जो है वो कॉट बन जाता, कॉट में कन्वर्ट हो जाता। टेन किस में कन्वर्ट हो जाता, कॉट में, मतलब एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता। तो हम लोग तुरंत लिख लेते कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट एफ एक्स, इसका मतलब कि पाई
पाई ही जो है फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, पाई ही जो है वो हमारा क्या है, फंडामेंटल पीरियड है। समझ में आया? यस सर। चल आगे बढ़ा जाए। सो अब देखो, अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि नेक्स्ट टॉपिक है मतलब फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहां पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों पीरियोडिक है, बोथ आर पीरियोडिक, जस्ट इसका पीरियड टी वन है और इसका पीरियड टी टू है, दोनों पीरियोडिक है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर पीरियोडिक, इसका पीरियड टी वन है, इसका पीरियड टी टू है। तो इसमें जो पीरियड होता है वो पता क्या होता है, एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू, ठीक है, एफ एक्स का पीरियड से टी वन है और जी एक्स का पीरियड टी टू है, तो ओवरऑल पीरियड क्या होता है, एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, वो मेरे को स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, कि अगर एफ एक्स का पीरियड कैपिटल टी है, फंडामेंटल पीरियड, अगर एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी है, तो f ऑफ ए एक्स प्लस बी का फंडामेंटल पीरियड t अपॉन मॉड ए होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से भी, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से भी, कि जैसे मान लो साइन ऑफ 3x प्लस 4, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π, 2π क्यों लिखा, क्योंकि साइन का खुद का 2π होता है, होल अपॉन एक्स के कोफिशिएंट के मॉड से डिवाइड किया, तो 2π/3, ठीक है, ये हम लोग ने उस समय भी डिस्कस किया था, याद है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उस समय बताया, हाँ सर, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय 2 प्लस 3/4 है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 1 होल अपॉन एक्स का कोफिशियंट से डिवाइड कर दिया हाफ, मतलब 2 हो गया, ठीक है, ओके, तो एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू। अच्छा हम लोग को जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम लेने तो आता है, मतलब इंटीजर्स का एलसीएम लेने, लेकिन फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है ना वो पता है कैसे लेते हैं, जैसे मान लो एलसीएम ऑफ ए बाय बी, सी बाय डी, हाँ पीरियड एलसीएम ऑफ टी वन टी टू, सर किसका पीरियड, किसका पीरियड, ये वाला इन फंक्शंस का पीरियड, अच्छा सबका, ठीक है, हाँ सबका, के बाद डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता सकते हो उस क्वेश्चन को आपने क्या करवाया, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कि थ्योरी ये पढ़ रहे हैं कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स पीरियोडिक है तो इन सब का पीरियड जो है वो एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू होगा, जिसमें टी वन जो है वो एफ एक्स का पीरियड है और टी टू जो है वो जी एक्स का पीरियड है,
सर आपने वो जो राइट साइड में एक्सप्लेन किया वो क्या एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। राइट साइड में मैंने ये एक्सप्लेन किया। हाँ सर वो वापस बताओ ना प्लीज। हेलो आवाज आ रही है? यस यस सर। हेलो यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। आप यस सर। यस सर पहले नहीं आ रही थी सर। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो देखो जो फ्रैक्शन का एलसीएम होता है ना उसका एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है सर। रैशनल हुआ तो अभी सब बता रहा हूं मैं। ठीक है न्यूमरेटर का एलसीएम होल अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहां से जो एलसीएम ऑफ टी वन कॉमा टी टू जो आता है दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो फंडामेंटल पीरियड ही है। दैट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज फंडामेंटल पीरियड। तो वो फंडामेंटल पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हाफ वाला मेथड। हाफ से रिड्यूस कर चेक कर देना पड़ेगा। कुछ सुनना समझ ही नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऐसे बोल रहे थे। सर अब तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। वॉइस से क्या क्रैकल सुनाई दे रहा सर। चैट्स में डाल दो एवरीवन। हां
ओके सर। सर इसके बाद जो डाउट क्लास है वो किसका है, मतलब आपका है? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।